नमस्कार। कल से हम बात कर रहे हैं शहरी भैरता की, यानी कि अर्बन कॉवर्डनेस की। कोविड 2.0 का जो वेव है, उसमें चल के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रूल्स है, रेगुलेशंस है। कुछ कुछ जगहों पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है। और हम कल बात कर रहे थे कि आपका डोमेस्टिक स्टाफ का आपको टेस्ट क्यों करवा लेना चाहिए। तो उसमें से कुछ रीजंस हमने बताया कि लोग खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद या ना ही होने के बाद भी अपने डोमेस्टिक स्टाफ का टेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं। तो जब मैं कल बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो लोग बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मेड का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो वो काम करना बंद करेंगी, फिर हमारा घर में काम कौन करेगा। दूसरा कि वो पॉजिटिव हो गई तो हमको भी टेस्ट करना पड़ेगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस। कि कोई बीमार है संसर्गजन्य रोग से या पीड़ित है तो आप उसको छुपा के रखोगे। मैंने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि जहाँ पे लोग खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद अपनी मेड को खाना बनाने के लिए बुलाते हैं, बोलते हैं जो कोविड पॉजिटिव मेंबर है वो तो एक कोने में छुपा हुआ है या एक रूम में आइसोलेटेड है। मुझे ये तर्कसंगत नहीं लगता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, पिछला वाला भी है। और लोगों को ये बताइए कि भाई डरिए मत, छुपाइए मत, आगे होकर अपना खुद का कोविड टेस्ट करवाइए। अगर आपकी क्षमता है तो आप पेड कर सकते हैं, क्षमता नहीं है तो जो सरकारी व्यवस्था की गई है उसका उपयोग करें। और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपके जो डोमेस्टिक वर्कर्स है या जो मेड है उनको सुरक्षित रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है एज एन एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉई होने के बाद अगर आप उनकी केयर नहीं लेते हैं तो ये एक क्राइम है। केवल ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये नैतिक क्राइम तो है ही, बट उसके साथ साथ हो सकता है कि ये लीगल पचड़े में भी आ सकता है। तो मेरी सारे शहरवासियों से, जो शहरी भैरता या अर्बन कॉवर्डनेट से पीड़ित है, उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपके घर अगर सुरक्षित रहना है तो उसके लिए आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं उनका आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि उनको कोविड ग्रस्त नहीं है। और वो तसल्ली आपको तभी होगी जब आप उनका भी कोविड वाला टेस्ट करवाओगे, या रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट हो या फिर RT-PCR वाला टेस्ट हो। और हो सकता है अगर आपके डोमेस्टिक स्टाफ का करवा रहे हैं तो एक नैतिकता के जोर पर उसका खर्चा अगर पेड करवा रहे हैं तो आप ही को उठाना पड़ेगा या आप ही को उठाना चाहिए। खैर, ये अपने अपने पर्सनल इंडिविजुअल्स के नैतिकता की बात है। लेकिन एक चीज़ है, हाउ यू बिहेव इन द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ डिटरमिन्स योर कैरेक्टर। अगर आपके खुद के वर्स्ट टाइम में आपके डोमेस्टिक वर्कर का ख्याल नहीं रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और देश ऐसे ही कैरेक्टर का मिला जुला इफेक्ट है। जब देश के सारे लोग अपने आजू बाजू वाले के आस पड़ोस वाले लोगों की चिंता करने लगेंगे तभी तो जाके ये देश सुदृढ़ बनेगा, तभी तो जाके हम कोविड की ये दूसरी वाली जो वेव चल रही है उससे बच पाएंगे। मैं पुनः सभी को बहुत, आपको मेरे दिल की गहराई से ये प्रे करता हूँ कि आप कोविड ग्रस्त ना रहे, है तो अपनी चिंता करिए। और अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है तो समझ लीजिए पूरा देश आपके साथ है, आपके सुदृढ़ होने की देश भी कामना कर रहा है। धन्यवाद।